दोस्तों ये फायदे जानकर आप भी खाने लगेंगे तीखा खाना। आज तक आपने तीखा खाने के नुकसान के बारे में सुना होगा कि इसे खाने से पेट खराब हो जाता है, मसालेदार खाना रेगुलर खाने से पाचन तंत्र को तीखा पचाने में दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, कई लोगों का ये भी मानना है कि तीखा खाने से शरीर में सूजन आ जाती है। लेकिन आज यहाँ इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइस फूड डे के मौके पर आपको तीखा खाने के फायदे के बारे में बता रहे हैं हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के वाडफ नगर में रहने वाले छात्र ने ऐसी मिर्ची की खोज की है जो कैंसर में राहत दिला सकती है। इस रिसर्च में पता चला कि इस मिर्च में प्रचुर मात्रा में कैप्सिसिन नामक यौगिक पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को कम करने में सहायक होती है। सिर्फ इस मिर्च में नहीं बल्कि सभी मिर्चियों में भी कैप्सिसिन पाया जाता है। तीखा खाना फैट को जमने नहीं देता। खाने को तीखा बनाने वाले मसालों में कैलोरीज भी ना के बराबर होती है। इसी वजह से तेज मिर्ची वाला खाना कभी भी शरीर को मोटा नहीं होने देता। खाने का तीखापन शरीर में खून के बहाव को बैलेंस करता है। इस वजह से दिल में खून चक्र सही बना रहता है और जिससे ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी कम होती है। खाने को तीखा बनाने वाली मिर्ची शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और कैप्सिसिन सूजन होने से रोकती है। स्टडीज ये भी दावा करती है कि स्पाइसी फूड हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। तीखा खाना आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है, जिस वजह से आप में डिप्रेशन और स्ट्रेस भी कम होता है। अगर आपको तीखा खाने से पेट में जलन या हार्ट बर्न की परेशानी हो तो इसे अवॉइड करें। अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही तीखा खाना खाएं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।